Well, Beauty and the Beast एक ऐसा शो है जो विश्व का सबसे प्यारा और सबसे जाना माना शो है और जब ये इंडिया आया और मुझे बुलाया गया कि कोरियोग्राफ करो इसे तो मैं बहुत ही सरप्राइज था। मैंने सोचा कि ये झूठ है और शायद अगर करेंगे तो बहुत ही वो लेवल जो है वो स्टैंडर्ड वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बजट ये वो, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हमारे पास अच्छी बजट्स है और हम एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि लोग फील करें कि यार इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। तो पहले मैंने सोचा कि ये सब बातें होंगी यू नो, कहने के लिए सब लोग यू नो, बहुत अच्छी तरह से सेल करते हैं लेकिन डिलीवरी पे फेल हो जाते हैं। और जैसे जैसे काम चालू मैंने किया मैंने देखा कि सब डिपार्टमेंट इतने तंदुरुस्त और इतने तगड़े थे। व्हेन आई यूज द वर्ड तंदुरुस्त तगड़ा, एवरीबडी वाज सो फ्रेश एंड वांटिंग टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड कि इट वाज जस्ट अमेजिंग, द एनर्जी वाज सुपर्ब। और जिस तरह से हमने जो भी मांगा कि हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए, हमें इस फिनिश में चाहिए, इस क्वालिटी चाहिए कि लगना ही चाहिए रियल है, वो करके मिला। लेकिन जैसे मैं हमारे डांसर्स स्पून्स बने हैं, जैसे हमारे डांसर्स फोक बने हैं, जैसे हमारे डांसर्स नैपकिन बने हैं, तो वैसा वाला ही कॉस्ट्यूम बना क्योंकि इस कहानी की सबसे द सेलिंग पॉइंट इज़ कॉस्ट्यूम्स एंड स्टाइलिंग बिकॉज पूरा जो महल जो है वो उसमें श्राप लग जाता है और सभी जो इंसान जो काम करें वो वस्तु बन जाते हैं। तो एक जो काम करता है, जो किचन में काम करता है वो फोक और स्पून बन जाता है या कोई टीपॉट बन जाता है या जो घर साफ़ करने वाली वो डस्टर बन जाती है। सो कॉस्ट्यूम का बड़ा 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 हाथ सहयोग चाहिए था। कोरियोग्राफी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि इट वॉज अ बिग, और ये म्यूज़िकल इतना बड़ा है, मैं कहूँगा डिज्नी का विश्व में सबसे बड़ा म्यूज़िकल यही है इंडिया वाला, in terms of production scale, in terms of the quality of singing, dancing, costume, styling, production value, #1 show in the world। और जो भी म्यूज़िकल से प्यार करता है, जो चाहता है कि वो ऐसे म्यूज़िकल्स में जाएँ जहाँ पे लाइव सिंगिंग हो। जनरली क्या होता है कि रिकॉर्ड पे चलता है और लिप सिंक होता है, यहाँ पर जो सिंगर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो एक्चुअली गा रहे हैं। तो ये जो रंगमंच है इज सुपर्ब एंड नोबडी शुड मिस इट। शिल्पा आए थे, यस। वेल, शिल्पा के साथ मैंने नजबलिया किया है, माधुरी के साथ अभी हाल ही में सो यू थिंक कैन डांस के साथ मैं जज कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले, एक अच्छी तारीफ़ सुनने मिली क्योंकि जब मैंने उनको बुलाया तो उनको लगा कि हाँ अभी टेरेंस बुला रहा है तो उनको जाना ही पड़ेगा और ऐसा लगा कि उपकार कर रहे हैं। लेकिन जब वो निकले यहाँ से मुझे माधुरी बोला कि थैंक यू, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर ये शो होने वाला है और मेरे बच्चों को ये अमेरिका में दिखाया लेकिन उतना असर नहीं किया जितना वो यहाँ पर असर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द स्केल, प्रोडक्शन एंड हम। और उसको खुद फील लाइक वो कहते कि मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इस शो में, लेकिन इस शो के बाद एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमने ये किया और हमने जो अमेरिका वालों को, उनको भी उनकी छुट्टी कर दी। तो ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। और शिल्पा वाज जस्ट ब्लोन बिकॉज वो, उसके हस्बैंड लंदन से हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे म्यूज़िकल्स होते हैं। सो उसको लगा कि हाँ कुछ होगा ऐसा छोटा स्केल में। जब वो आई और देखी कि इतना बड़ा सेट, ये तो हमारे फिल्म के सेट से भी बड़ा है। सो शी वाज सुपर इम्प्रेस्ड बाय एवरीथिंग, द क्वालिटी ऑफ सिंगिंग, डांसिंग। शिल्पा तो कह रही थी मेरा विश्वास नहीं, तू झूठ बोल रहा है, लाइव सिंगिंग नहीं हो सकता, इतना अच्छा सिंगिंग कैसे हो सकता है, एक जगह पे भी सुर नहीं छूटा कैसे। ऐसे भैया 6 महीने से वो रगड़ा रहे हैं काम कर रहे हैं। सो इट इज़ बीन अ इट टुक अस 1 year टू मेक दिस, 1 साल का काम है दिन रात। सो इट्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ फोकस। ये सिर्फ आर्टिस्ट लोग कर सकते हैं कि एक चीज़ पर अपना पूरा ध्यान देकर। आई रिमेंबर आई हैड जॉन्डिस के इस माहौल में भी मैं डू दिस बिकॉज आई वाज लाइक आई हैव टू डू दिस। और अक्टूबर में शो था, आई हैड गॉट जॉन्डिस इन जुलाई ऑगस्ट लास्ट ईयर। आई वेंट फॉर द रिहर्सल्स बिकॉज मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं व्हील चेयर पर बैठता था एंड आई सेड आई वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल। और इतनी मेहनत की है सब ने, तो मैं अभी इससे मुकर नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई आई फील इट्स अ लेबर ऑफ लव एंड पैशन। थैंक यू। क्या हाल? या अभी इंटरवल हुआ है, फैंटास्टिक, लव्ड इट एक्चुअली। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा है और बहुत गर्व की बात है एक्चुअली कि हमारे यहाँ इतने अच्छे टैलेंट है और इस लेवल पे हमने जो देखा है अभी, बस इंटरवल हुआ है बट मुझे लगता है कि इससे पहले कभी, मुझे लगता है नहीं कि मैंने कभी ऐसा कुछ हिंदुस्तान में देखा है। वेल डेफिनेटली जब मैं देख रहा था तो मुझे यही लगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देख के तो लगा कि मैं बहुत ही वाहियात गाता हूँ बट लाइव गा के एक्ट करना, डांस करना, एक्शन, लाइटिंग एंड टेरेंस का जो जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, जो कोरियोग्राफी की है उन्होंने, माइंड ब्लोइंग है। थैंक यू। मैंने तो बहुत मतलब इन्जॉय किया कि कर रही हूँ एंड इट इज़ माई फर्स्ट एवर म्यूज़िकल ब्रॉडवे शो लाइव मैंने ऐसे देखा है और ये पढ़ा भी हुआ है बचपन से। टू सी दैट लाइव, टू सी द इमोशंस कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ सिंगिंग, इट इज़ मेस्मराइजिंग। आई जस्ट कांट टेल यू हाउ ब्यूटिफुल आई एम फीलिंग एंड स्पेशली व्हेन इंडियंस वी आर डूइंग इट, आई एम फीलिंग सो मच मोर प्राउड अबाउट द होल थिंग। Definitely, I would do something like a Sleeping Beauty. I would do Cinderella. I would do so many things because for the first time, मुझे ऐसा लगा कि हम भारतीय भी कर सकते हैं और उतना ही और उससे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। And it is so beautiful. I'm proud to be an Indian today. Terence is mind blowing. He has proved that talent cannot be contained in any country. He has made India proud by collaborating with Disney and choreographing such a humongous, इतना बड़ा स्केल में हर एक को, मतलब जब मेन दो कैरेक्टर गा रहे हैं या बात करें, बाकी लोग भी उस टाइम पे डांस के द्वारा कुछ किए जा रहे हैं। इट्स ब्यूटिफुल। हैट्स ऑफ टू यू टेरेंस, यू कुड डू दिस, आई नो। थैंक यू। You know, I've seen a lot of musicals outside. I kept telling Terence कि मैं बाहर न्यूयॉर्क में इतने musicals देख कर आई हूँ, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया में म्यूजिकल बनेगा पहले तो, और अगर बनेगा तो इस लेवल का बनेगा that you know you will be like thank God we have a musical here. So I am actually really proud that now we have our first musical here and it's a sad part कि आज इनका last show है, because there are so many people out here who are going to miss this. This is one of the best productions I've seen. It's next level. It's amazing. I'm so happy that we have one of these now. See, Terence sir की जो vision है, it's not कहते हैं ना बंद नहीं है. His vision is really unique. His vision goes out international and now you can see it here on stage. It's not like it's anymore. It's not just TV bound or film bound or anything. He's taken it all. उन्होंने ये सब एक next level पे ले गए हैं. I've seen it internationally and he has done it no less than that. आपने मुझे गाते हुए सुना है कभी? पहली बात तो मुझसे कोई गवाएगा नहीं, दूसरी बात टेरेंस सर मुझे नचाएंगे नहीं, हाँ मैं वहाँ एक्ट करने ज़रूर आ सकती हूँ। जी मेरी अगली फिल्म बस नेक्स्ट मंथ शुरू है बट उसमें टेरेंस सर भंगड़ा नहीं करा सकते, दैट्स द ओनली सैड पार्ट, वरना मैं उनसे वो भी करवाती। थैंक यू गाइज। हेलो, अच्छा शो के बारे में, अच्छा तो ठीक है। मैं हमेशा जाता हूँ न्यूयॉर्क या लंदन में, ऐसे प्लेस देखने को मिलते हैं और थिएटर में देखने को मिलते हैं और बहुत ही स्पेक्टेक्युलर हाई लेवल एंटरटेनमेंट के शोज़ होते हैं और हम हमेशा सोचते रहते हैं ना हिंदुस्तान में नहीं होता ऐसा, दिस लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, दिस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस, सिंगिंग भी लाइव होता है, सब कुछ लाइव होता है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में हो गया, ये हो गया इसलिए कि हमने हिम्मत की है और कि इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना, ये जो शो है न्यूयॉर्क में जैसे कोई भी दूसरे थे, आज इतने बड़े स्केल पे उन्होंने परफॉर्म किया है और पूरा सेट इस्तेमाल किया है. इट इज़ सो स्पेक्टेक्युलर इन एवरी सिंगल वे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक आवर एक्टर्स एंड आवर सिंगर्स हैव डन फैंटास्टिकली वेल. इसमें हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है. वहाँ से सब टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, लाइटिंग डिज़ाइन भी आ सकता है, आई डोंट नो, मतलब वहाँ से एक डुप्लीकेट करना पड़ता है यहाँ पे उन लोग के सेटिंग के हिसाब से, उन लोग के एक फॉर्मेट के हिसाब से. लेकिन जो सिंगिंग है और परफॉर्मेंसेस है और डांसिंग है, सुपर्ब. आई एम सो हैप्पी एंड वेरी 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 प्राउड. टेरेंस, यही तो मैं कह रहा था, मैंने कहा कि सिंगिंग भी अच्छा है, एक्टिंग भी अच्छा है, बट आई थिंक इवन द डांसिंग इज़ ब्रॉडवे लेवल. और वो बहुत ही, इट्स अ हाइस्ट कॉम्प्लीमेंट टू पे एनीवन. इट इज़ ब्रॉडवे लेवल शोबिज़. Broadway level showbiz. Thank you. क्या कहूँ मैं, एक्चुअली स्पीचलेस हूँ. एंड बिकॉज ऑफ दिस मैन हमने इनको टीवी पे मतलब कितने सालों से देखा है, ऑन ऑल हिज डांस शोज एंड ऑल. बट आई वाज टोल्ड टू कम एंड सी दिस शो बाय माय मदर. एंड इसके बिहाइंड देयर इज अ स्टोरी एक्चुअली बिहाइंड. मैंने ये शो 15 साल पहले न्यूयॉर्क में देखा था ब्रॉडवे पे, एंड नाउ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वॉच इट लाइव इन मुंबई. एंड ऑनेस्टली आई थिंक कि ये एडिशन जो मैंने देखा इज़ बेटर देन द वन आई सॉ इन न्यूयॉर्क. The actors are better, the setup is better, the stage is better, the production is better, the choreography is better, the direction is better, and I think hats off to all the talent that you guys have got. I think that's one of the proudest moments, and I think just chatting with Terence that he's already achieved so much in life and he doesn't have anything more to prove on stage, but yet he's coming out here and bringing so much younger talent, newer talent. So thank you, Terence, for doing this. And also he's promising to get more shows also with Disney down here. Aladdin, hopefully next time. So fingers crossed. Definitely 100%. मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने बैरी जॉन से की थी, थिएटर से की थी, बट मैं गा नहीं पाता हूँ. अगर टेरेंस सर थोड़ी मदद देंगे मुझे तो मैं शायद कर सकूँ, बट बहुत डिफिकल्ट होता है. आई गेस द कास्ट बहुत रिहर्सल जाती है. हमने हाउ लॉन्ग 6 months ऑफ रिहर्सल. सो ऑल दीज गाइज आर आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव आर्टिस्ट एंड they've dedicated their life. So has Terence. So big hand of applause for all of them. I'm definitely spellbound. Thank you. Thank you. Entry and exit will be restricted for the first few